हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंटर के फोर्थ पोएम का, जो कि उसका नाम है फ्रॉम एन एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये जो एलजी है एक शोक गीत होता है, और शोक गीत जो किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है, दुख में लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो कवि है वो क्या करता है कि कब एक चर्चयार्ड यानी कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और देखता है कि यहाँ पे बहुत सारी कब्रें पड़ी हुई हैं। उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है कि ये धनी व्यक्तियों की कब्र है, ये गरीब की है, यानी सब में एक समानता है। और ये विचार करता है कि मृत्यु के बाद सभी व्यक्तियों को यहीं आना है और ये कब्रें भी समान रहेंगी। चलिए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे कह रहे कि द कर्फ्यू यानी गिरजाघर की घंटी टोल्स जब बजती है तो धन्य आवाज़ होती है ऑफ द पार्टिंग डे, यानी गिरजाघर की घंटी तो द कर्फ्यू गिरजाघर की घंटी टोल्स बजती है धन्य ऑफ द पार्टिंग डे, तो उसकी आवाज़ से ये पता चलता है कि द पार्टिंग डे दिन क्या हो रहा है, अब ख़त्म हो रहा है। यानी गिरजाघर की बजने वाली घंटी यह संकेत करती है कि दिन अब समाप्त हो रहा है, पार्टिंग विदा करना, विदाई लेना। द लोइंग हार्ड पशुओं का झुंड, रभाता हुआ पशुओं का झुंड, बिंड स्लोली धीरे धीरे ओवर द ली चारागाह से घर की तरफ चल देता है। यानी द लोइंग हार्ड पशुओं का झुंड लोइंग रभाते हुए बिंड स्लोली धीरे धीरे ओवर द ली ली में सोचा चारागाह, यानी पशुओं का झुंड धीरे धीरे चारागाह से घर की तरफ चल देता है। यहां बता रहे द प्लाउमैन किसान होमवर्ड, और किसान भी अपने होमवर्ड, होम इज घर होता वर्ड मतलब की ओर, यानी किसान भी अपने घर की ओर चल देते हैं। प्लूट्स इज बेरी वे थके, प्लूट्स मतलब होता है धीरे धीरे, हिज बेरी वे अपने थके हारे रास्ते से, यानी पूरे दिन काम करने के उपरांत किसान भी अपने थके हारे रास्ते से घर की तरफ चल देते हैं। एंड लीव्स और छोड़ देते हैं द वर्ल्ड इस दुनिया को, टू डार्कनेस एंड टू मी और मुझे, यानी कभी कहता है कि इस अंधेरे में मेरे अलावा कब्रिस्तान में और कोई नहीं है, और सभी लोग एंड लीव्स और छोड़ देते हैं द वर्ल्ड दुनिया को, टू डार्कनेस अंधकार में एंड टू मी और मुझे, यानी सभी लोग ठीक है इस दुनिया को अंधकार में छोड़कर अपने घर की तरफ चल देते हैं। विनीथ दोज, विनीथ मतलब होता है अंडर नीचे, दोज उनके रग्ड यानी रग्ड इल्म, सदाबहार वृक्षों के जो सदाबहार वृक्ष उनकी जो तने हैं रग्ड हैं खुरदरे हैं, उनको कह रहे हैं कि विनीथ दोज रग्ड इल्म उन भद्दे सदाबहार वृक्षों के नीचे, दैट जो यू ट्री सेड यानी उन पेड़ों की छाया में, यानी सदाबहार वृक्षों की पेड़ों की छायों के नीचे, वेयर जहाँ हीप्स द ट्रफ जहाँ पर सूखी घासें क्या कर रही हैं, इन द मेनी वल्डरिंग हीप, यानी क्या है कि वेयर जहाँ द हीप्स मतलब द ट्रफ सूखी घासें पत्तियाँ, इन द मेनी मोल्डरिंग मतलब होता छोटी कब्र हीप्स, और जो पत्तियाँ एंड जो सूखी घासें हैं उस कब्रों पर ऐसी मतलब लगी हुई ऐसे गिरी हुई हैं, ये इसकी लग रहा है इन मेनी मल्डरिंग ही वो की खंड मतलब खंडहरों की ढेर दिखाई दे रही है, यानी वो उस पर पूरा ढेर लग गया है। तो वेयर द हीप्स जहाँ पर ट्रफ इन मेनी मल्डरिंग हीप जहाँ पर वो जो छोटी छोटी कब्रें हैं वो खंडहर की ढेर लगती हैं। इच इन प्रत्येक कब्रों के अंदर हिज नैरो सेल यानी प्रत्येक सकरी कब्रों के अंदर फॉर एवर लेट हमेशा के लिए सोए हुए हैं द रूट रूट फॉर फैदर्स उस गांव के पूर्वज, यानी उन छोटी छोटी कब्रों में हमेशा के लिए उस गांव के पूर्वज फॉर फैदर्स एंसेस्टर होता है मैचिंग वर्ड, द रूट फॉर फैदर्स ऑफ हेमलेट स्लीप उस छोटे गांव के लोग उन छोटी छोटी सकरी कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं। करें कि द ब्रीज कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द ब्रीज कॉल ब्रीज में ठंडिताजी हवा,
इनसेंस सुगंधित ब्रीदिंग मॉर्न सुबह की, यानी सुबह की ठंडी ताजी हवा। अगला बता रहे कि दस साइलो ट्विटरिंग अवाविल पक्षी का चहचहाना फ्रॉम द स्ट्राविल्ड सेट, यानी तिनके की घोंसले से अवाविल पक्षी का चहचहाना। द कोक श्रिल क्लेरियन मुर्गे की तेज आवाज। आर अथवा इकोनोइंग हार्न शिकारियों का बिगुल, यानी बता रहे हैं कि जो ये इन कब्रों में सोए हुए हैं ये कभी उठने वाले नहीं है, वो चाहे सुबह की ठंडी ताजी हवा चले, चाहे अबाबिल पक्षी का चहचहाना हो, चाहे मुर्गी की आवाज़ हो और चाहे शिकारियों का बिगुल हो, इन सब को सुनकर या ये इन जो हमेशा सोए हुए हैं इनको कभी उठा नहीं सकते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न सुबह की ठंडी ताजी हवा। द साइलेंट ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राविल्ड सेट, यानी तिनके के घोंसले से अबाबिल पक्षी का चहचहाना। द कोक श्रिल क्लोरियन मुर्गी की तेज आवाज़। आर अथवा इकोनोइंग हार्न शिकारियों का बिगुल। नो मोर सेल रोज, इन्हें नहीं उठा पाएंगे ये सब, इन्हें जो हमेशा के लिए इस कब्र में सो गए हैं अर्थात जो मर गए हैं उन्हें के उठा नहीं सकता। नो मोर सेल रोज, उन्हें नहीं उठा पाएंगे। देम फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके उस बिस्तर से। यहाँ पे कभी एक मैसेज देता है कि लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन यहाँ पे देखिए परसोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन में सोता महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो कुल में बड़े हैं जिनके पास धन दौलत वगैरह, उनको एम्बिशन कह रहा है। लेट नॉट एम्बिशन, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को लेट नॉट एम्बिशन मोक मजाक नहीं बनाना चाहिए। मोक किस मजाक बनाना, लेट नॉट एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षियों को मोक मजाक नहीं बनाना चाहिए। दे आर यूजफुल ट्वेल, उनकी उपयोगी श्रम का, यानी जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको इन जो गांव के पूर्वज हैं, फॉर फैदर्स हैं, क्या करना चाहिए, मोक मजाक नहीं बनाना चाहिए। दे आर यूजफुल ट्वेल, उनके कठिन परिश्रम का, क्योंकि दे आर हेमली जॉय, दे आर होमली जॉय, और उनकी जो छोटी छोटी वस्तुओं में प्रसन्नता थी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। एंड डिस्डेनी ऑकर, एंड मिसोर डिस्डेनी मतलब होता है भाग्य, ऑकर मिस अंधकारपूर्ण, और उनके अंधकारपूर्ण भाग्य का मजाक नहीं बनाना चाहिए। नॉर अथवा ग्रेंजियर, यानी यहाँ पे होगा शानदार लोग, महत्वाकांक्षी लोग। नॉर और ना ही ग्रेंजियर जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, ही और सुनना चाहिए विथ ए डिस्डेनी फुल स्माइल द सॉर्ट ऑफ एनलस ऑफ द पुअर, यानी द सॉर्ट एंड सिंपल एनलस ऑफ द एनलस में सोता इतिहास कहने की, और ना ही द सॉर्ट छोटा सिंपल साधारण एनलस ऑफ द पुअर, जो गांव के गरीबों का एक साधारण और छोटा सा इतिहास है उसको महान व्यक्तियों को कह रहे कि नॉर हियर नहीं सुनना चाहिए विथ डिस्डेनी फुल स्माइल घृणापूर्वक मुस्कान, यानी इन ग्रामीण के छोटे तथा साधारण इतिहास को सुनकर महान व्यक्तियों को, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, ठीक है, घृणापूर्वक मुस्कान नहीं फेरनी चाहिए, यानी उन पर उनको हंसना नहीं चाहिए। द पॉट द बोर्ड्स ऑफ हेरडली, द बोर्ड्स ऑफ हेरडली यानी द बोर्ड्स ऑफ हेरडली उच्च कुल में, यानी उच्च कुल की सेखी मारने वाले, कहने का मतलब जिनको घमंड होता है। बोर्ड्स ऑफ हेरडली, बोर्ड्स मीन्स सेखी मारना, ठीक है। द बोर्ड्स ऑफ हेरडली यानी जो महान कुल में पैदा होने का घमंड करते हैं। द पंप ऑफ सो, जो अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और जो सभी प्रकार की सुंदरता है, यानी जो सुंदर व्यक्ति हैं, जो अपनी जिनको अपनी सुंदरता पे घमंड है। एंड ऑल दैट, और वो सभी लोग वेल्थ, जो धनी व्यक्ति हैं, एवर गेव मिला हुआ है जो धनी व्यक्ति हैं, करें कि एलाइक एवेट्स एलाइक इनविटेबल आवर, यानी समय यानी मृत्यु उनका इनविटेबल अनिवार्य रूप से उन सभी का इंतजार करती है। कहने का मतलब वो चाहे धनी व्यक्ति हैं, चाहे उच्चे को मतलब वो बड़े कुल में पैदा हुए हैं, चाहे वो शक्ति को दिखाने वाले हैं, इन सभी का जो मृत्यु है वो एक समान रूप से इंतजार करती है। करें कि द पाथ ऑफ ग्लोरी, प्रसन्नता के रास्ते लीड जाते हैं, आगे होते हैं, जाते हैं
बट द ग्रेव, लेकिन कब्र तक। यानी कहने का मतलब वो चाहे सुंदरता हो चाहे धन हो, ये सभी जो सभी प्रकार के व्यक्ति के प्राउड होते हैं वो केवल कब्र तक ही थे। यानी कब्र पर जाने के बाद सब लोगों की कब्रें समान ही होती हैं, ठीक है। और सभी लोग क्या करते हैं, सबको एक ना एक दिन सबकी मृत्यु होनी, यानी सभी लोग को मृत्यु का शिकार होना है। नमस्कार मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।